गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माय नेम इज सारिका। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। ओके, तो टुडे आई विल स्टार्ट। इन लास्ट वीडियो आई हैव गिवन यू द वर्ड्स, यू हैड कंप्लीटेड। ओके, ये वर्ड्स में आपको अ की मात्रा, ऊ के औकार, रसई वाली, ये सब आपको नहीं आ सकता। वर्ड्स पढ़ने के लिए और लिखने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं बारह खड़ी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, आज हम बारह खड़ी करेंगे, जिससे आपको बड़ी ई, छोटी ई, ऊ के कई मात्राएँ कैसे करना है, कैसे लिखना है, कैसे ज्वाइन करके वर्ड्स बनाना है, वो आपको पता चलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बारह खड़ी। क से गे तक का है, तो क से कमल। क, क की मात्रा का, पहले क, क से कमल होता है। उसके बाद हमको लाइन डालने का, एक मात्रा डालने से क्या हो जाएगा, वो का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का। क, क की मात्रा का। ओके, अब ये की, छोटी की है ये की। पहले एक मात्रा होगा, फिर क होगा, फिर ऊपर से ई की मात्रा होगी, छोटी की मात्रा, तो हो जाएगा की। और ये बड़ी ई की मात्रा, क की मात्रा का, और ऊपर हो जाएगा की, बड़ी की मात्रा की हो जाएगी, बड़ी ई। अभी ऊ, उकार वाला, ऊ की मात्रा, छोटी ऊ, क, क की नीचे आएगा ऊ, छोटी ऊ की मात्रा ऊ, क्या हो जाएगा, ये कु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कु। अब ये है क, बड़ी ऊ की मात्रा ऊ, क्या हो जाएगा? कु। ये छोटी ऊ की मात्रा कु, और ये कु हो जाएगा। ओके, अब एक के, पहले लिखना आपको क, क के ऊपर एक मात्रा डालो, ए आई की मात्रा, तो हो जाएगा के। ओके, अब ये आएगा क, ऊपर दो मात्रा डालना है आप, आई की मात्रा, तो आएगा कई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कई। और ये क, क की मात्रा का, और ऊपर को, ओ की मात्रा डालना है, तो हो जाएगा को। क्या हो जाएगा? ये को। अब ये क, क की मात्रा का, और दो मात्रा है ऊपर डालना है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा डालना है, तो हो जाएगा कौ। क्या हो जाएगा? ये कौ। ओके, फिर एक क, क के ऊपर एक डॉट डालने से कंग हो जाएगा, कंग। और ये कह, क के बाजू में डॉट्स डालने, दो डॉट्स डालने से क्या हो जाएगा? कह। ओके, तो क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह। ओके, फिर से हम रिपीट करते, क, का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कं, कह। हो गया ना बारह अक्षर? ठीक है, ये बारह खड़ी है क की। तो अब हम इसको इंग्लिश में करते हैं। अभी हम हिंदी में हिंदी में पढ़ा है, अभी इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, हिंदी इंग्लिश वर्ड हमको बनाना है। पहले है क, क को हम क्या लिखेंगे? के, तो हो जाएगा क। अभी क, और क की मात्रा का हो गया, तो का को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? के ए। क्या हो जाएगा? वो का हो जाएगा, के ए। क्या हो जाएगा? का। अभी ये छोटी की मात्रा, और ये क, तो क्या हो जाएगा? की हो जाएगा, के आई की। क्या हो गया? ये के आई की। ओके, और नेक्स्ट बड़ी की मात्रा, की, क की मात्रा का, और ऊपर बड़ी की मात्रा हो गया की, तो की कैसे लिखेंगे हम? के डबल ई की, के डबल ई की। ओके, अब ये कु, क की मात्रा, क लिखा है, क के नीचे उकार की मात्रा, ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, क्या हो जाएगा? कु, तो के यू कु। क्या हो गया? ये के यू कु। अब ये बड़ी ऊ की मात्रा, क, क के ऊपर बड़ी ऊ की मात्रा, क्या हो जाएगा? कु हो जाएगा, के डबल ओ कु, के डबल ओ कु। अब ये के, क के ऊपर ए की मात्रा, क्या हो जाएगा? के, के ई के, के ई के। ओके, नेक्स्ट कई, कई कैसा हो जाएगा? आई की मात्रा, दो लाइन डालने से कई हो जाता है, क के ऊपर दो लाइन डालने से क्या हो जाएगा? कई। तो के कई कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में? के ए आई कई, के ए आई कई। अभी क की मात्रा का, और ऊपर ओ की मात्रा, हो जाएगा को। क्या हो जाएगा? ये को।
इंग्लिश में हम को कैसे लिखेंगे, के ओ को, के ओ को, ओके। अब नेक्स्ट कौ, कौ कैसे लिखेंगे हम, क, क की मात्रा का ऊपर दो औ की मात्रा, तो हो जाएगा कौ, क्या हो जाएगा ये, को कौ। अब कौ इंग्लिश में कैसे लिखना है हमको, के ए यू कौ, के ए यू कौ, ठीक है। अब ये कंग, क के ऊपर क्या है ये, डॉट है, बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं, के ए एन कंग, क्या बोलेंगे हम, कंग। और ये हो जाएगा कह, के बाद क के बाजू में दो डॉट्स, क्या हो जाएगा ये, बिंदु, कह, के ए एच कह, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, के ए एच कह, ठीक है। फिर से रिपीट कर, तो एक लाइन पूरा, क का की कु कु के कई को कौ कम कह। अब इंग्लिश में के का को क्या बोलते हैं, के ए, की को के आई, बड़ी की को के डबल ई, कु के यू कु छोटी कु, और के डबल ओ कु बोले तो बड़ी कु, कु की मात्रा, के ई के, के ए आई कई, के ई के ओ को, के ए यू कौ, के ए यू कौ। अब कंग, के ए एन कंग, और के बाजू में दो बिंदु होता तो क्या हो जाएगा, कह, के ए एच कह, के ए एच कह, क का की कु के कई को कौ कौ कह, ओके। तो क की बात ये हो गया, क का बारा खड़ी, ठीक है ना। अभी हम ख पे करते हैं, ओके। ख, ख खटारे का ख, ख की मात्रा खा। अब छोटी खी की मात्रा कैसा होगा, ख पे आगे लाइन होगा और ऊपर से क्या होगा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा हो जाएगा की। अब ये ख, पहले ख लिखो फिर मात्रा लिखो, क्या हो जाएगा, खा, और बड़ी ई की मात्रा खी, ओके। ख और ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा, खू। ख फिर बड़ी ऊ की मात्रा क्या हो जाएगा, खू, ओके। ख खू खू। अब खे, ख लिखो पहले फिर उसमें क्या करेंगे, ए की मात्रा, खे। ख लिखो फिर खई, अब आएगा ख, ख की मात्रा खा और ओ की मात्रा, तो क्या आ जाएगा, खो। ख और ख की मात्रा खा और पर खऊ की मात्रा, दो लाइन डालने से खऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खऊ, ओके। अभी ख, ख के ऊपर बिंदु लगेगा तो क्या हो जाएगा, खम, क्या हो जाएगा ये, खम, और ये खह, ख के बाद में दो बिंदु लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये खह, ठीक है। ख खा की खु खु, खे खई खो खऊ खम खह, ओके। जैसे हम क का की के वर्ड्स बोलते हैं वैसे ख खा की बोलना हमको, ख खा की खु खु, खे खई खो खऊ खम खह। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम, ख, ख लिखने के लिए क्या करेंगे, के एच, जैसे क लिखने के लिए क के लिखते हैं, तो ख लिखने के लिए के एच जॉइंट करेंगे, इसमें वर्ड्स एच जॉइंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ख। अभी खा, खा कैसे लिखेंगे, के एच ए, यहाँ पे क्या लिखा है, के ए क का, और ये खा है तो के एच ए खा हो जाएगा, एच आ जाएगा बीच में, ओके। इधर क्या है, की, यहाँ क्या आएगा, खी, वर्ड्स में क्या प्रोनाउंसेंस हो रहा है देखना, के एच आई खी हो जाएगा, ओके, एच लगेगा, इधर पे खी की लिखा है, यहाँ पे खी, के एच डबल ई खी, खू, या भी खू हो जाएगा, या कू है या खू हो जाएगा, के एच यू खू, के एच यू खू, यहाँ पे कू है, यहाँ पे बड़ी खू आएगा, के एच डबल ओ खू, यहाँ पे के, यहाँ पे खे, के ई के, और यहाँ पे के एच ही खे, ओके। अब यहाँ पे क्या है, खई, कई लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या आएगा, खई आएगा, या कई और या खई, इसमें क्या है, के ए आई, और इसमें लिखा है के एच ए आई, ओके। इसमें सब में क्या लिखना है आपको, एच लिखना है, ज्वाइन करना है, इसमें एच नहीं लिखना है। इसमें को,
के ओ को और इसमें खो हो जाएगा के एच ओ खो। ओके अभी ये क्या है खो के ए यू कौ ये आ जाएगा के एच ए यू खौ हो जाएगा। ओके खम के ए एन कन हो गया और ये क्या हो जाएगा के एच ए एन खन ये कह के ए एच कह और ये कह ख के एच ए एच कह। ठीक है ऐसा तो ख खा खी खो खो खे खई खो खौ खम कह। ओके तो इसमें क्या करना है आपको इसमें ए यूज़ करना है सब में ए आई ई एस और इसमें क्या यूज़ करोगे एच के एच यूज़ करना है जिसमें ख हो जाता है कंप्लीट। ओके ख की वर्ड्स कंप्लीट होते हैं तो ये आपको क और ख ये आपको होमवर्क में करना है। ओके राइट इन नोटबुक होमवर्क राइट इन नोटबुक। हिंदी ओके हिंदी होमवर्क इन नोटबुक।